हाँ चलिए, आज एक और अपनी नई स्टूडेंट से मिलवाता हूँ, रितु बाला वंछोड़ से, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि रितु ने 2016 में बीएससी कंप्लीट किया था, उसके बाद 4.5 ईयर का आईटी फील्ड में जॉब किया, उसके बाद एमसी एंट्रेंस की तैयारी की, इस साल आईजीटीयू से एमसीए कर रही है, इनफैक्ट फर्स्ट सेमेस्टर भी हो गया। तो सबसे पहले रितु आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए। थैंक यू सो मच सर. थैंक यू फॉर गिविंग सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. और थैंक यू फॉर लाइक मैंने जो भी आपसे स्टडी किया, आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह लिए, उससे बहुत बेनिफिट मिला मुझे, लिटरली मिला. सो उसके लिए भी थैंक यू सो मच सर. तो रितु, आपकी थोड़ी सी स्टोरी अलग है, मैं जरूर चाहूंगा कि आप बहुत डिटेल में बताएं। कई बच्चे जो जॉब कर रहे होते हैं या ग्रेजुएशन के बाद उनको जॉब मिल जाता है, तो वो ऐसे जॉब छोड़ के पीजी करने का प्लान करने के लिए उन्हें बहुत टाइम लगता है या सोच पाते हैं। जैसे आपने तो इतना लंबा जॉब भी किया, तो पहले तो ये कि आपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब ज्वाइन कर लिया, उसका क्या रीजन था? फिर जॉब करने के बाद आपको 4.5 ईयर, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, तो कब लगा कि अब मुझे आगे की डिग्री लेना चाहिए, और फिर कैसे आपने प्लान किया उसको? सर एक्चुअली 2016 में मैं पास आउट हुई और रिजल्ट आए भी नहीं थे, और मेरा प्लेसमेंट हो गया वेदांता और एलएनटी वगैरह में, दो तीन जगह हुआ था, डाबर वगैरह में भी हुआ था मेरा. बट मैंने वेदांता ऑप्ट किया क्योंकि वो अच्छी एमएनसी कंपनी थी, एल्यूमिनियम की कंपनी थी, और पापा भी मेरे भिलाई स्टील प्लांट से ही है. बट मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया, बट ऐसा कुछ थॉट नहीं था जॉब करने का, या फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खराब है ऐसा कुछ भी नहीं था. बट जस्ट फॉर की, और मैं पढ़ने निकल भी गई थी, बट ऑल ऑफ सडन मैं आई, दोस्त बोले हैं कर लो, अच्छा है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया. करने के बाद जॉब में प्रोफाइल भी अच्छा मिल गया, आईटी बैकग्राउंड से थी, एसएपी में मैंने काम किया है, प्रॉपर एसएपी, पीडब्ल्यूसी वगैरह के साथ मैंने काम की हुई है, बड़े प्रोजेक्ट भी किए, एसएपी S/4HANA वगैरह के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, बहुत बिजनेस एज अ बेस्ट बिजनेस एनालिस्ट भी काम किया, बहुत एक्सपीरियंस अच्छे लेवल पे मिला. लेकिन बात यह थी कि ग्रोथ नहीं मिल रहा था, जिस पोजिशन पे मैं थी वो बहुत मेरे को सेटिस्फाई नहीं करता था, और मेरे मतलब गोल्स थोड़े अलग टाइप के थे. तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आईटी में आई गई हूँ तो मैं आगे की देखती हूँ. अब मैं थोड़ा फील करती थी कि मैं टेक्निकली थोड़ा पीछे हूँ, तो मैं धीरे धीरे, फिर क्योंकि मेरी बैकग्राउंड थोड़ी बीएससी की थी, तो वो अलग, हम अलग पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा थियोरेटिकल हो जाता है वो. तो फिर मैंने धीरे 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 फिर स्टार्ट किया, मैंने मतलब देखा क्या क्या एंट्रेंस होते हैं, कुछ फ्रेंड से पता चला ऐसा ऐसा है. और जबकि ये चीज अगर मुझे शायद पहले पता होती तो मैं 4.4 ईयर तक भी नहीं रुकती, मैं धीरे धीरे करती ही. एंड फिर स्टार्ट हुई जर्नी, और मैंने फिर स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे आपके मतलब आप आए, तो मैं फिर ऑलरेडी कहीं ज्वाइन कर चुकी थी, तो मैं उतना स्पेंड फिर से करना सही नहीं समझी, तो मैंने आपसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया. मैं पर्सनली सबको सजेस्ट करूंगी, अगर किसी को भी फाइनेंशियल इश्यूज या कुछ भी है, तो आप सर का जस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो. टेस्ट सीरीज में कंप्यूटर के तो प्रतीक सर ने सारे वीडियो ही डाल देते हैं, एनालिसिस में ही वो सारी सिलेबस कंप्लीट हो गई है, और एलआर और एफटी भी पूरा कंप्लीट. रही बात मैथ्स की, मैथ्स के सर के सारे पेपर आप 50-50 क्वेश्चंस आप रोज सॉल्व करो, प्लस अगर 1 आवर सॉल्व कर रहे हैं आप 50 क्वेश्चंस, तो आप कम से कम 2 to 3 आवर्स उस 3 आवर्स उसको पूरा कंप्लीट एनालिसिस में दो, और आई बिलीव कि उससे हो जाएगा, पूरा सिलेबस सारे पैटर्न सब कुछ कवर हो जाएंगे सर के क्वेश्चन से. सर की जो एक्सपीरियंस है उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है ना कि आप कहीं से नहीं चुकेंगे. मैंने जो गलती की थी अपने एग्जाम में वो थी कि मैं सरप्राइजिंग पेपर थोड़ा देख करके बहुत पैनिक हो गई, और वो मेरी अभी भी आदत है, जो मैं धीरे धीरे अपना मतलब इम्प्रूव करूंगी डेफिनेटली. बट सबके लिए यही है. और अब निमसेट का कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा, मतलब कोई सीट नहीं बचती आपके लिए लास्ट में, अगर आप सोचोगे ना 1200-1300 में कुछ भी, तो वो बहुत, अभी था 350 में कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको 500+ लाना ही होगा उसके लिए, ऐसा है. तो रितु, जब आपने प्लान किया कि एमसीए करना है, तो कुछ घर वालों ने आपको बोला कि ये इतने साल बाद अब तुम फिर 2-3 साल का एमसीए करोगे और अभी 4 साल का जॉब है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ? क्योंकि आप गर्ल्स हो, गर्ल्स को कई बार होता है इस तरह का, हाँ और मैं हाँ इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जब लोग आपको सुनेंगे ना, तो बहुत लोग जब मुझे फोन करते हैं कि सर हमारा 2 साल जॉब होगा, 3 साल क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा। अभी जैसे आपके ये जॉब का एक्सपीरियंस, अभी आपको प्लेसमेंट में बहुत काम आने वाला है, आपको प्लेसमेंट, हायर टर्म ग्रोथ ये सब मिलेगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम घर में आई या नहीं आई? सर, आई एम सो ब्लेस्ड कि लिटरली नहीं आई मुझे. पेरेंट्स बहुत सपोर्ट किए, बहुत बिलीव था उनको, क्योंकि एक तो नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब का होप नहीं रखता है. इनफैक्ट मैं खुद से नहीं की थी, बट मैंने वो लिया, मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, तो पेरेंट्स को मेरे ऊपर था
तो मैंने उनको बस मैंने बताया, उन्होंने मुझे कोई सेकंड क्वेश्चन नहीं किया, आप करो आप पढ़ो। और मेरी मम्मा ने जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था तभी मुझे बोली थी कि तुम पैसे से मुंह मत लगाना, तुमको मास्टर डिग्री लेना है बेटा करके। सो मेरे बस अंदर एक सॉफ्ट था कि मास्टर लेना है और अच्छी मास्टर लेना है ऐसा। तो पेरेंट्स का कोई इशू नहीं आया सर, वो हमेशा सपोर्ट किया और आगे भी मुझे करेंगे, मुझे पता है ये बात। चलो, ये तो बहुत सो ही अच्छी बात है। अच्छा, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आप कैसा फील करते हैं? आप शायद वहां पर कोऑर्डिनेशन भी देख रहे हैं कुछ प्लेसमेंट सेल में। हाँ सर, हाँ अभी तो घर चल रहा है वो बातें। तो हाँ टीएनपी में हूँ मैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल पे हूँ मैं, और फलक दोनों है। सो वहां पे सर पहले तो कॉलेज से मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जा रही थी कि मेरे को नहीं लेना, आपको पता होगा। बट जी अभी मैं धीरे धीरे जब देख रही हूँ इतने सारे को मतलब लाइक बहुत सारे टेक्निकल सेल्स है सर, हैकेथॉन्स, कोड बेंडर्स, बहुत सारे इतने कि हम अपने रेगुलर टाइम पे भी वो चीज को कवर नहीं कर पाते स्टडी के साथ साथ पे। मतलब मैंने बिलीव भी नहीं किया था, पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा ये अवेयरनेस की जो चीजें IGDTW के लिए जो मतलब चीजें इतनी आगे क्यों नहीं आई, या फिर मैं शायद NIT के उसमें मैं इस चीज में ज्यादा देख नहीं पाई। बट बिलीव मी, जिनको भी अगर नहीं है NIT में, आप गलती से भी रुक जाते हैं, तो IGDTW इज अ गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब बहुत है। और प्लेसमेंट का अभी हमने सीनियर्स के साथ में हर 2 मंथ 3 मंथ्स में इंटरेक्शन होता है, और मैं TNP हूँ तो मेरा ज्यादा थोड़ा इंटरेक्शन हो जाता है, तो उसमें हमको समझ आ जाती है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, बस अपने स्किल्स को डेवलप करना है, अपने को कैसे चीजों को धीरे 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 कवर करना है। और कंपनीज आती है सर, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, कोई यहाँ पे गिल्ट वाली चीज ही नहीं है। मैं थोड़ा अब बहुत अच्छा फील करने लगे हूँ, चलो मतलब गुड। तो पहले लग रहा अभी था। आपके सीनियर्स के प्लेसमेंट बहुत अच्छे जा रहे हैं। बहुत अच्छे सर, नो डाउट, बहुत अच्छे। चलो, ये अच्छी बात है। अभी तक आप लोगों ने वैसे कॉलेज नहीं देखा बाई चांस ड्यू टू कोविड, और कब गई थी देखेंगे? सर, गए मैं गई थे? थी एक बार। हाँ, तो ये अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिन मैं गई थी, एक दिन कॉलेज होकर के आई हूँ, तो एक ही दिन गए अभी तो। बट हाँ नेक्स्ट देखते हैं, आपका पता है। चलो, ये बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा रितु, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? इनफैक्ट उन बच्चों को जो कई बार ड्रॉप लेते हैं 1 या 2 ईयर का, तो उन्हें बड़ा डर होता है। आपका अगर देखें तो 2016 से 2021, 5 ईयर का तो यही गैप है, हाँ काफी हाँ बड़ा, और बहुत सारी अलग अलग कंडीशन थी। तो आपका अपना क्या मैसेज होगा? मेरा यही मैसेज है कि कंसिस्टेंसी एक रखना और प्लस पेशेंस रखना, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत टफ था इतने लॉन्ग गैप के बाद फिर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, या फिर से वेक्टर पढ़ना, या फिर से मैथ्स की किताब उठाना। बट लाइक सर के, मैं सर से बहुत सारी ट्रिक्स सीखी, एंगल से अपना ट्रिगो के क्वेश्चंस कैसे फटाफट सॉल्व करने, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक जो अभी मैं थोड़ा भूल भी जाऊं, बट सर का गाइडेंस पूरा लेना, एक एक बात सर की बहुत 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 मोटिवेटेड रहती है, आपके गूज बम्स आ जाएंगे आप लिटरली जब अगर दिल से सुनोगे उस सारी बातों को तो। और सर को फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो, आई सेड ब्लाइंडली फॉलो करो, और अपनी टाइम टेबल सर बहुत प्यारा सा एक सेट स्केड्यूल बना के देते हैं, आप उसको फॉलो करो। और सिर्फ सर को, या फिर आप अपने से भी कर रहे हैं तो आप अपने से भी करो, लेकिन एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूंगी सर का, एटलीस्ट आप टेस्ट सीरीज ले लो, उससे भी आपको बहुत हो जाएगा अगर आपने कहीं से किया है तो। बाकी कंसिस्टेंसी और हमेशा ये फील करते रहना कि मैं, कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप आप पे कि हो रहा है हो रहा है हो रहा है वाला। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं पे गैपिंग जा रही है, आप समझ जाना फिर कुछ मिस हो रहा है ऐसा। सो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा रितु आपसे बात करके, काफी मजा आया। अब बहुत जल्दी थैंक आप यू लोगों का सर। प्लेसमेंट भी हो जाएगा, और प्लेसमेंट के बाद फिर हम मिलेंगे। और हमने पिछले साल जैसे एक इंटरव्यू डाला था आज इतने सारे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जो अच्छे कॉलेज हैं, कई बच्चे उससे पता ही नहीं है उन्हें कि ये भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, और बच्चे इसको सुन के कहीं ना कहीं मोटिवेट भी होंगे। चलिए, वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू बेटा।